हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आज मैं ये सर्दी वाला बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट लेके आई हूँ। ये पिटूनिया है, पिटूनिया का प्लांट जो विंटर में बहुत अच्छा ब्लूमिंग करता है। ये फ्रेंड बहुत ज़्यादा सनलाइट मांगते हैं। इसको 6-7 घंटे का धूप चाहिए होता है। ये बहुत हार्डी प्लांट है और विंटर के लिए ये बहुत अच्छा प्लांट है। इसका फूल भी बहुत बड़े बड़े साइज़ में होता है। इसका जो ये ड्राई जैसे ऐसे निकल आता है, कुछ ब्रांचेस या लीव्स या फ्लावर, ये ऐसे कट आउट करके फेंक देना और फ्लावर सूख जाने के बाद ये कट कर देने से और भी ज़्यादा ब्लूमिंग होता है। इसमें फ्रेंड पानी देने में आपको अगर कुछ देर हो जाता है तो ये उतना इजीली मरता नहीं है, पर ये थोड़ा मुरझा जाता है और इसका मिट्टी मॉइस्ट रहना होता है, ज़्यादा सॉगी नहीं तो फंगस लगने का एक चांस रहता है। और फ्रेंड इसमें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जिसमें गोबर की खाद, नीम खली और सरसों खली मिक्स करके 1-2 दिन भिगो के रखे, वो पानी के साथ ऐड करके आप इसमें देने से इसका ब्लूमिंग बहुत अच्छा होता है। और ये नहीं कर पाने से आप DAP एंड पोटाश ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड इसका प्रोपेगेशन सीड से होता है। इसका सीड बहुत छोटा छोटा होता है, वो आप मिट्टी में फैला देना और हल्के हाथों से पानी डाल देने से कुछ ही दिन में इसका प्लांट निकल आता है। मुझे लगता है फ्रेंड सीड से ज़्यादा आप कोई नर्सरी से ये लेके छोटे छोटे पौधा मिलता है, ऐसे लेके आके आप लगा दो, उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। इसका फ्लावर बहुत अच्छा बड़े बड़े साइज़ में खिलता है। ये देखिए मेरा कितना बड़ा बड़ा साइज़ में खिला हुआ है, हैंगिंग में लगाए हम। ये सब का उतना केयर हम कर नहीं पाते क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता है, नहीं कर पाते, फिर भी देखिए इतना बड़े साइज़ में इतना ब्लूमिंग हो रहा है। 15 दिन बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप देना, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अभी तक अगर नहीं लगाए तो लेके आके आप लगा सकते हैं। अभी भी अप्रैल तक तो चल ही जाता है, फ्लावर खिलता ही रहता है। ओके फ्रेंड, और कुछ क्वेरीज रहने से आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो, फिर मैं लेके आऊँगी कुछ और टॉपिक। तब तक बाय, हैप्पी गार्डनिंग।